देवरिया के गांव गहला में एक महापौर, पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान में किसी बात को लेकर मारपीट हो गई थी। इसमें पूर्व प्रधान गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे घायल अवस्था में लखनऊ अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसके शव को गाँव लाया गया, जहाँ ग्रामीणों में उसे लेकर रोष व्याप्त था। बड़ी खबर देवरिया से है, जहां मईल थाना क्षेत्र के गहला गांव में मई माह में वर्तमान और पूर्व प्रधान के बीच विवाद में पूर्व प्रधान को गंभीर चोटें आई थी, जिसमें पूर्व प्रधान सुभाष गुप्ता बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिनका इलाज लखनऊ में चल रहा था। बुधवार को इलाज के दौरान पूर्व प्रधान की मौत हो गई और गुरुवार सुबह उनका शव लखनऊ से पैतृक गाँव लाया गया। गाँव के ग्रामीण उग्र हो गए, जहाँ मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझा कर ग्रामीणों को शांत कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने शव को घर के बाहर रख कर अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। इसकी सूचना जिला मुख्यालय पर मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई और को समझाने लगे, जहां एसडीएम बरहज और सीओ पहुंचे, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। इसकी सूचना पर बसपा पूर्व सांसद गोरख प्रसाद जायसवाल और अध्यक्ष साहू समाज पहुंच गए, जिन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और प्रशासन से मांग की कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसमें मुकदमा पंजीकृत है और जो नए एविडेंस आ रहे हैं इसको भी विवेचना में समावेश करके उसके अनुसार कार्रवाई की जाए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो खबर एक्सपर्ट पेज को लाइक करें और सीफर्स करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।